नमस्कार व्यूअर्स, आपका एक बार फिर स्वागत है रेडियो द्वारका में और मेरे साथ फिर प्रशांत मुकुंद प्रभु हैं। प्रभु जी, हमारे जो कार्यक्रम है वो सिर्फ ऐसे लोग ही नहीं देखते जो भक्त हैं या जो मंदिर आते जाते हैं, बहुत सारे लोग भौतिक जीवन में जो व्यस्त हैं वो लोग भी देखते रहते हैं। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया, वो पूछते हैं कि मतलब आप लोग का कोई मनोरंजन वगैरह का टाइम भी होता है, या मनोरंजन कैसे करते हैं, या मतलब हर समय आप भजन कीर्तन और यही सब चलता रहता है? तो हमारा मनोरंजन ऐसे जैसे स्कूल में होता था कि फर्स्ट पीरियड मैथमेटिक्स, दूसरा पीरियड साइंस, तीसरा पीरियड एसएसटी, चौथा पीरियड फिर हमारा सोशल स्टडीज, और फिर इंटरवेल होता था, रिसर्च होती थी, उसके बाद फिर एक पढ़ाई, फिर ऐसे करके पूरा दिन जाता था। लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना विद होना ऐसा है, पहला पीरियड गेम्स पीरियड, दूसरा पीरियड गेम्स पीरियड, तीसरा पीरियड गेम्स पीरियड, चौथा पीरियड एंटरटेनमेंट, फिफ्थ पीरियड फिर एंटरटेनमेंट, इसमें एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट है। भजन करने वाले भक्तों को भजन करने में बड़ा एंटरटेनमेंट होता है, जगह जगह भजन करते हैं उतना आनंद होता है। लेकिन फिर भी कभी कभी जो आपका प्रश्न है सही है, भक्त लोग एंटरटेनमेंट कैसे करें, तो हम लोग ना क्या करते हैं, एक तो भक्तों के समाज में हम लोग कई प्रकार से जब कीर्तन करते हैं, डांस करते हैं, खुले हाथ से पूरा नृत्य होता है, कीर्तन होता है, रथ यात्राएं होती हैं, तो उसमें हम रिक्रिएशन कर लेते हैं, अपना बहुत आनंद आता है। और हमें ही नहीं आता, बहुत ही संसार के लोग भी आते हैं। जैसे हम अपने 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 मंदिर को बोलते हैं रुक्मणी द्वारकाधीश डांस क्लब, वहां पे खूब कीर्तन होता है, खुले हाथ से लोग डांस करते हैं, फ्री एंट्री, फ्री डांस, फ्री प्रसादम। कौन से क्लब में फ्री डांस मिलता है, फ्री एंट्री मिलती है, फ्री खाना मिलता है? सब में 2,500-3,000 रुपए का टिकट लगाकर लोग नाचने जाते हैं, और वो भी अंधेरे में। तो हम लोग खुले में डांस कराते हैं, और उससे ज्यादा आध्यात्मिक नृत्य करते हैं। कहते हैं जो भगवान के आगे नाचता है उसको संसार के आगे नाचना नहीं पड़ता। और हमारे यहाँ ना एक आयुर्वेदिक टीचर आए थे, उन्होंने रिसर्च करके देखा कि हम लोग बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसे योगा में होता है। पहले हल्का कीर्तन करते हैं, उसमें फिर धीरे धीरे पैर जलते हैं, फिर तेज कीर्तन होता है, और एंड में वार्मिंग अप होती है, उसके बाद फिर तेज एक्सरसाइज होती है, और बाद में स्लोइंग अप में होता है, स्ट्रेचिंग कराते हैं कि भाई एकदम से नहीं छोड़ना चाहिए। तो हम फिर दंडवत प्रणाम करके प्रेम ध्वनि करते हैं, जय ओम विष्णु पादाय, उसमें व्यक्ति पूरा लेट जाता है शवासन में, और फिर उसके तो देखा जाए आयुर्वेदिक क्रिया के हिसाब से भी, योगा के हिसाब से भी, ये डांस रिक्रिएशन पूरे शरीर की शुद्धि कर देता है। जितना स्वेट निकलता है तो एकदम व्यक्ति हमेशा स्वच्छ, उसको कोई योगा करने की जरूरत नहीं, डांसिंग मूड में, स्माइलिंग मूड में, आनंद में होता है। फिर भी अगर भक्तों को लगता है कि चलो कुछ करें, तो हमारे लिए तीर्थ धाम इतने घूमने के लिए हैं कि हम कभी वृंदावन, कभी मायापुर, कभी जगन्नाथपुरी, कभी बद्रीनाथ, कभी रामेश्वरम, कभी द्वारका, तो इतने स्थान हैं घूमने के लिए, जाओ वहां पर एक्सप्लोर करो, उनके गुफाओं में जाओ, उनकी नदियों में स्नान करो, पवित्र नदियों में, पहाड़ श्रृंखलाओं में जाओ, अलग अलग मंदिरों में दर्शन करो। उसके बाद भी टाइम है आपके पास, तो वर्ल्ड में 700 इस्कॉन मंदिर हैं, तो हम लोग ट्रैवल करते रहते हैं, कभी इस्कॉन चले जाएंगे बिलासपुर, कभी चले जाएंगे इस्कॉन आगरा, कभी चले जाएंगे इस्कॉन दुबई में, जब भक्तों की कांग्रीगेशन से मिलाएंगे जाकर के, कभी हम इस्कॉन अमेरिका, कभी इस्कॉन लंदन, जहां जिसको जाना है वो व्यक्ति वहां जा सकते हो। हर इस्कॉन में आपको सेम प्रसाद, सेम टाइप ऑफ डिवोटी, बस उनका रूप रंग अलग होगा लेकिन भाव सेम है कृष्ण भक्ति का। ये हो गया, ट्रैवलिंग हो गई, आनंद हो गया, मिलना हो गया। और भी अगर आपका मन है कि चलो भाई मुझे घूमना फिरना हो गया, मंदिर देख लिए था और क्या, तो आपके पास दुनिया मूवीज देखती है, हम लोग अपने लैपटॉप के ऊपर मूवी देखते हैं, लेकिन वो देखते हैं संसारी मूवी, हम देखते हैं कृष्ण भावना विद मूवी। हमारे स्कॉन के हरे कृष्णा टीवी चैनल वाले बना लेते हैं, उनकी स्कॉन डिजायर टीम जो है उसने अपनी खुद की मूवीज बना रखी, वो मूवीज देखो, ड्रामास प्लेज करते हैं हर मंदिर वाले, वो ड्रामा प्ले देखो, उनमें पार्टिसिपेट करो, और फूड खाओ। आदमी क्या करता है, फूड खाने जाता है, अरे गोविंदा रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, बढ़िया से बढ़िया प्रसाद है, आज वर्ल्ड के बेस्ट डिशेस नॉन अनियन गार्लिक फूड अवेलेबल है हर गोविंदा रेस्टोरेंट में, लोगों को कोरियर करके घर पे भेजा जा रहा है, खाने को मिल रहा है, डांस करने को मिल रहा है, घूमने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। और दुनिया करती क्या है, तो लोग एक्चुअली देखते हैं ना हम लोगों को, जो मेरे फैमिली के लोग हैं कहते हैं इतना इतनी मस्ती तो हम नहीं कर रहे जितनी मस्ती तुम भक्ति करके कर रहे हो। भक्ति मीन्स मस्ती एक्चुअली। एक्चुअली आजकल लोग ना हाई और किक की तलाश में रहते हैं, तो क्या इस एंटरटेनमेंट से किक भी मिलती है? अरे शिला प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो वहाँ के लोग एलएसडी पीते थे, ड्रग्स, और वो भी एलएसडी टॉप मोस्ट किक देती थी उनको। तो प्रभुपाद जी जब गए उन्होंने कहा हरे कृष्णा महामंत्र चैंटिंग करो, ध्यान से दो माला करो, फिर देखो आपको कौन सी किक मिलती है। तो किसी को बिलीव नहीं हुआ कि हाँ एलएसडी कहाँ, भगवान का नाम ये तो पूजा पाठ और वो कहाँ। तो जब उन्होंने करना शुरू किया तो वो लोग एलएसडी भी लेते थे, भजन भी करते थे, एलएसडी भी लेते थे, भजन भी।
देखते देखते क्या हुआ, उनकी एलएसडी छूटने लग गई और उन्होंने कहा उस एलएसडी का नशा रात को लो सुबह उतर जाता है, लेकिन ये हरी नाम एक ऐसी एलएसडी है, इसको जितनी बार लो ये बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, घटता नहीं है, और बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ा कि वो पूरा उनके जीवन से वो एलएसडी चली गई और केवल हरी नाम रह गया। धन्यवाद प्रभु जी। सो लोगों को इस बात का सवाल भी मिल गया कि भक्त लोग या प्रभु जी वगैरह ये सब लोग एंटरटेनमेंट कैसे करते हैं, तो अगर अब आपके मन में कुछ और भी सवाल हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा, हम प्रभु जी से पूछते रहेंगे। तो एक बार आपसे फिर विदा लेते हैं, बने रहें।